नगर पालिका इंद्री में डीसी रेट पर कार्यरत सैनिटरी इंस्पेक्टर से नौकरी जारी रखवाने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में विजिलेंस की टीम ने नगर पालिका के अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 20,000 की रिश्वत की मांग की थी, लेकिन 10,000 रुपए लेते हुए से टीम ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की विजिलेंस टीम की गिरफ्तारी में खड़ा यह आरोपी प्रवीण है, जिसने नौकरी आगे जारी रखवाने के एवज में 20,000 की डिमांड की थी। ये डिमांड नगर पालिका इंद्री में डीसी रेट पर कार्यरत सैनिटरी इंस्पेक्टर विकास से की गई थी। दरअसल नगर पालिका इंद्री में अकाउंटेंट के पद पर तैनात आरोपी प्रवीण जब रिश्वत के 10,000 रुपए लेकर जाने लगा, तभी पहले से ही तैनात विजिलेंस की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इंद्री नगर पालिका में ही तैनात आरोपित एनकाउंटर प्रवीण कुमार की पत्नी संतोष देवी विजिलेंस विभाग में ही SI के तौर पर कुरुक्षेत्र में तैनात है, जबकि गांव रामगढ़ वासी पीड़ित सैनिटरी इंस्पेक्टर विकास तोमर के पिता महेंद्र पाल तोमर भाजपा OBC मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और अंबाला लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं। आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ये पैसे मांग रहे थे भी आपको अर्जेंट यहाँ पे हटा दिया जाएगा, ठीक है? आपने पैसे देने पड़ेंगे। कितने पैसे मांगे? 20,000। अच्छा, और फिर दिए कितने? 10,000 रंगे हाथों पकड़ा गया। विजिलेंस इंस्पेक्टर जगत सिंह ने बताया कि उन्हें विकास तोमर ने पहले मोबाइल पर संपर्क किया और फिर शिकायत दी थी, जिसमें बताया गया था कि उससे अकाउंटेंट पिछले करीब एक सप्ताह से 20,000 रुपए की मांग कर रहा है। ये राशि न देने पर नौकरी से हटाए जाने की धमकी भी दे रहा है, जिससे वो परेशान हो चुका है। शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, मैं सैनिटरी इंस्पेक्टर नगर पालिका इंद्री से। सर, अकाउंटेंट सर मुझे कई दिनों से फोर्स कर रहे थे भाई, मैं डीसी रेट पार्ट 1 के तहत लगा हुआ उस पर। ये कह रहे थे कि तू 20,000 रुपये दे दे, नहीं तुझे रिलीव कर देंगे। भाई नया ठेका हो गया, डोर टू डोर का टेंडर हो गया और ठेकेदार अपने बंदे रखेगा, जो भी रखेगा। मैं सर डीसी रेट पे लगा हुआ वहाँ पे, और रंगे हाथ 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए मैंने आज पकड़वा दिया जिसको। और मांगे कितने थे इसने? 20,000 रुपए मांगे। क्या ब्लैकमेल कर रहा था आपको? नहीं, रिकॉर्डिंग है जी मेरे पास, सारा सिस्टम था जी। 1 जनवरी 2020 से डीसी रेट पर विकास कार्यरत है और अभी उन्हें हटाए जाने का भी कोई नोटिस नहीं था। फिलहाल विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार करके जाँच शुरू कर दी है। विकास महला, टोटल न्यूज, करनाल।